नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, बुलेट ट्रेन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में, मैं कह सकता हूँ लगभग 1 से 2 महीनों में, काफी ज्यादा तेजी से काम हुआ है बुलेट ट्रेन को लेकर। क्योंकि जैसे ही कोविड-19 धीरे धीरे स्लो पड़ा है, उसकी स्पीड कम हुई है, तो काफी ज्यादा स्पीडली काम किया गया है। और दोस्तों, इसी को लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल उसमें लिखा पड़ा है, ओनली 5% गुजरात लैंड रिमेन्स टू बी एक्वायर्ड। मतलब कि बुलेट ट्रेन का जो एक हिस्सा था, जो कॉरिडोर बन रहा था गुजरात के अंदर, उसमें जो लैंड एक्विजिशन का पार्ट था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100% में से 5% लैंड अब रह गया एक्वायर करने को। दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं, इसका मतलब यह है कि 95% ऑफ लैंड पहले ही एक्वायर कर लिया गया है। जो अथॉरिटीज थी, जो कंसर्निंग अथॉरिटीज थी, उन्होंने कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो गुजरात के रेवेन्यू मिनिस्टर है कौशिक पटेल, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने असेंबली में एक क्वेश्चन आवर के दौरान ये आंसर दिया कि टोटल 73.6 लाख स्क्वायर मीटर लैंड को एक्वायर करना था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से इनकी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा तेजी से काम किया है और 69.99 लाख स्क्वायर मीटर ऑलरेडी ही इन्होंने एक्वायर कर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने बताया कि अब 3.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही एक्वायर करना रह गया है। और इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि हाल ही में इन्हें 1908 एप्लीकेशन मिले हैं फार्मर्स के, जो कि अपना लैंड अभी देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी एश्योरेंस नहीं है कि उनको पैसा मिलेगा, उन लैंड ओनर्स को। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पैसा मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, उनको और पैसा चाहिए। तो दोस्तों, ये इनका कहना था कि हम उनसे बात कर रहे हैं जो 1908 फार्मर्स हैं। दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। इसके अलावा दूसरी अपडेट भी आ रही है, और ये तो और भी खतरनाक अपडेट है। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है जो भारत का बुलेट ट्रेन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो E5 सीरीज का होगा, यानी कि ये सबसे एडवांस बुलेट ट्रेन होगा। और दोस्तों, इसकी इमेज रिवील कर दी गई है कि किस तरीके का हमारा बुलेट ट्रेन होगा। जापान की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने ये कंसर्निंग अथॉरिटीज ने रिपोर्ट दे दी है कि किस टाइप की बुलेट ट्रेन होगी, उसके इंटीरियर कैसा होगा। इसमें एक इकोनॉमिक क्लास भी बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा चल रही है कि एक क्लासिकल क्लास होगा जिसमें एकदम नॉर्मल लोग बैठ सकते हैं, इसके अलावा इकोनॉमी होगा और एकदम एरोप्लेन की तरह इसमें सीटिंग प्रॉपर होगी। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो E5 सीरीज की ये शिंकानसेन होने वाली है, दरअसल बुलेट ट्रेन को जापान में शिंकानसेन कहते हैं, तो E5 सीरीज की जो शिंकानसेन होने वाली है दोस्तों, ये अब तक की जापान की सबसे तेज शिंकानसेन है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम लगा होगा। मतलब ये बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और उसी से सभी को इलेक्ट्रिसिटी बुलेट ट्रेन के अंदर दी जाएगी। दोस्तों, इसका पूरा टारगेट है कि 2023 से पहले पहले, नहीं नहीं अगर आप कहें तो मुंबई के अंदर नहीं तो गुजरात और दादर नगर हवेली के जो एरियाज है जहां पे लैंड एक्विजिशन हो गया है और वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, वहां तक एक बुलेट ट्रेन दौड़ा दी जाए 2023 तक, ताकि सांकेतिक रूप से इसको 2023 का जो डेडलाइन दे रखा है उसको पूरा किया जाए। तो इसी आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारे नए रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एकदम से रिव्यू लिया है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, और उन्होंने स्पेशली कंसर्निंग अथॉरिटी जो कि मुंबई से है, उनसे स्पेशली बात करी है कि आखिर दिक्कत क्यों आ रही है लैंड एक्विजिशन में और प्रॉब्लम क्या हो रही है। और हो सो अगर उनके बात करने से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकलते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें निकलती है, तो मे बी आने वाले टाइम में लैंड एक्विजिशन का काम जो कि मुंबई में बिल्कुल रुका हुआ है जब से न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, मे बी वो काफी स्पीडली आगे बढ़े। तो देखना होगा कि आगे यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।